प्रदेश में इन दिनों तबादलों का मौसम चल रहा है और इस तबादलों की जद से अब कुत्ते भी नहीं बच रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार में लगातार हो रहे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों के बीच अब पुलिस के खोजी कुत्तों के भी तबादले किए जा रहे हैं और इन पुलिसिया कुत्तों के तबादलों पर सियासत भी खूब हो रही है। कुत्तों के तबादलों पर हो रही सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में हुई पुलिसिया कुत्तों की एंट्री, एमपी में डॉग्स के भी हुए थोकबंद तबादले, पुलिस के 46 कुत्तों के तबादला आदेश हुए जारी, सीएम हाउस की जया और रीमा के भी हुए तबादले। कुत्तों के तबादलों ने बढ़ाया एमपी का सियासी पारा। कुत्तों के सहारे बीजेपी हुई सरकार पर हमलावर। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों के दौर के बीच पुलिस विभाग ने डॉग हैंडलर्स का उनके खोजी कुत्तों के साथ ट्रांसफर के आदेश ने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गर्मा दिया है और इस तबादला आदेश से मध्य प्रदेश की सियासत में कुत्तों की भी एंट्री हो गई है। दरअसल शुक्रवार को 23वीं बटालियन में 46 डॉग हैंडलर का उनके खोजी कुत्तों के साथ ट्रांसफर आदेश जारी हुआ। इन डॉग हैंडलर्स का उनके खोजी कुत्तों के साथ ही ट्रांसफर भी किया गया। इससे 46 खोजी कुत्ते प्रभावित हुए हैं। इसमें स्निफर, नाको और ट्रेकर कुत्ते शामिल हैं। तबादलों की सूची में मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला भी अछूता नहीं रहा। छिंदवाड़ा से डफी नाम के स्निफर डॉग का सीएम हाउस ट्रांसफर किया गया। डफी समेत 4 कुत्तों पर अब सीएम हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। वहीं डॉग स्क्वाड के अधिकारी इन तबादलों को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। तीन ट्रेडमैन को ट्रेंड किया जाता है, नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव और ट्रेकर। तीनों ट्रेड अलग अलग। और तो अभी जो पीवीआईपी ड्यूटी के लिए जो है स्नाइपर एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है और ट्रेकर के लिए जो सूंघने की जिसकी जाती हत्या है इसमें प्रयोग किया जाता है और नारकोटिक्स मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम। हाँ वो तो एक ही है, डॉग और ट्रेनर कोई अलग नहीं है, वो दोनों एक ही जान है, साथ में ट्रांसफर होता है। हाँ। उस बार जो ट्रांसफर हुए पहले भी होते रहते होंगे, जो भी आ रहा है ना सीएम हाउस में रूटीन प्रक्रिया है वो। लेकिन कुत्तों के तबादलों की सूची को विपक्ष मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला कर रहा है। बीजेपी ने इन तबादलों पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार कम से कम तबादलों में तो समानता का व्यवहार अपना रही है। कुत्तों को आदमी की तरह और आदमी को कुत्ते की तरह व्यवहार किया जा रहा है। सेठ कमलनाथ जी कहे जाते रहे हैं, तो एक कहावत है कि बैठे सेठ जी क्या करें, यहाँ की बरनी वहाँ धरें। इसको बनाओ, इसको मिटाओ, इसको हटाओ, इसको चलाओ। देखिए इनको होश ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश 1956 में बना, तब से लेकर तमाम सरकारें रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भी 15 साल रही है, कभी आपने देखे कुत्तों के ट्रांसफर की लिस्ट निकले? और ये पुलिस के कुत्ते हैं, मैं कुत्तों की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं तो कुत्तों के ट्रांसफर करने वालों को जरूर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने सेना के जो प्रशिक्षित डॉग होते हैं वो योग कर रहे थे तो टिप्पणी की थी राहुल गांधी जी ने। अब क्या राहुल गांधी जी के इन्हीं नक्शे कदम पर कमलनाथ जी ट्रांसफर करने का काम भी कुत्तों का कर रहे हैं? ये मजाक है, सर्कस है। सरकार ये सरकार संवेदनहीन है और इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आदेश में बाकायदा उसका उल्लेख किया जा रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये केवल और केवल मजाक बनाने का काम स्वयं को अपने आप को कर रहे हैं। इधर सरकार के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा इसे रूटीन प्रक्रिया बताकर बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। शर्मा का कहना है कि बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। मैं समझता हूँ बीजेपी के पास कोई काम बचा नहीं है। एक पेपरों में जो देखा, मैं समझता हूँ उससे बात हुई होगी, मुख्यमंत्री निवास या बाकी जगह सेफ्टी रहे। और ये ट्रेन डॉग्स होते हैं जो पुलिस विभाग में हैं और उनका काम ही ये होता है सिक्योरिटी का, तो उनको सिक्योरिटी एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में तो ऐसा लगता है कि जो डॉग यहाँ था वहीं रह गया। कुत्तों पर जारी सियासत ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
पुलिस विभाग के इन खोजी कुत्तों ने जुर्म की दुनिया के शातिर अपराधियों की चाल को नाकाम कर तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कई मामलों की गुत्थियों को सुलझाया है। लेकिन राजनीतिक के चाणक्यों की सियासी चालों की गुत्थी में अब ये कुत्ते उलझ कर रह गए हैं। वफादारी का दूसरा नाम कहे जाने वाले ये मुस्तैद जानवर अब सरकार के आदेशों का पालन करते हुए नई जगह जाने को तैयार है।